कोरोना को हराना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। 9000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका भी नहीं बना है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सावधानी से कोरोना को हराया जा सकता है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कोरोना पर कि कैसे आप इस वायरस से खुद और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर राजेश गुप्ता जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है। और डॉक्टर शैलेश शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो सबसे पहले तो डॉक्टर राजेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि कोरोना वायरस के 3 स्टेज होते हैं, वो स्टेज क्या क्या हैं? आप इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। कोरोना के जो संक्रमण के 3 स्टेज होते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 3 जो सबसे खतरनाक होता है, जिसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं या सामुदायिक संक्रमण कहा जाता है, जिसमें आपको मरीज कोरोना पॉजिटिव रहता है, कोविड पॉजिटिव रहता है, लेकिन कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, कोई सोर्स आपको नहीं मालूम, उनके घर में और कोई दूसरे पॉजिटिव नहीं है, दूसरे जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उनके संपर्क में वो नहीं आए हैं, और बड़ी तादाद में समाज के लोगों को कोरोना पॉजिटिव निकल रहा हो, उसको हम स्टेज 3 ट्रांसमिशन या कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। अभी वैसी वाली स्थिति से तो अभी नहीं दिख रही है देश में, कुछ भागों को छोड़कर। जैसे बम्बई में खतरा मंडरा रहा है स्टेज 3 का, लेकिन बाकी जगह में तो अभी इतना फैलाव समुदाय में नहीं है। ठीक है डॉक्टर शैलेश, छत्तीसगढ़ के सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये जो कोविड है वो किस स्टेज में पाया जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोविड जो है वो अभी भी सामुदायिक स्तर पर, जैसा राजेश गुप्ता अभी समझा रहे थे, उस लेवल पे नहीं है। अभी भी जो कंटेनमेंट की कोशिशें हैं, जो शासन ने सारी जो व्यवस्थाएं की हैं और जो सावधानियां ली जा रही हैं, तो वो अभी इस स्तर पे कारगर हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड से अभी बचे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग अमूमन हॉस्पिटल में रहते हैं और कई ऐसे पेशेंट्स हैं, कई ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें डॉक्टर शैलेश, तो हमें किस तरह का एहतियात बरतने की जरूरत है? मास्क क्योंकि कई प्रकार के होते हैं, तो कौन सा मास्क है जो यूज करना ज्यादा बेटर होगा? जी देखिए, जी जी शैलेश जी, आप मैं अपने जी शैलेश जी रोक रही हूँ आपको, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। इसी बीच हमारे साथ MS जयशंकर हैं, कॉलर हैं, भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। जयशंकर जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। और डॉक्टर राजेश और या डॉक्टर शैलेश, दोनों में से किससे आपका सवाल है? थैंक यू मैम जी। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी, हम तो दोनों वाइफ और हस्बैंड यहाँ पर रहते हैं घर पे अकेले, और मैं, मेरी उम्र 65 है, वाइफ की 64 है जी। तो हम लोग क्या क्या मतलब लेना चाहिए प्रिकॉशन, थोड़ा सा ये बता दें डिटेल में जी। डॉक्टर शैलेश, दोनों घर पे रहते हैं, 60-65 दोनों की एज है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? जरूर,
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सुनने में आता है ना कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको ये कोरोना जो है वो ज्यादा अफेक्ट करता है, सीवियरिटी ऑफ डिसीज उनमें ज्यादा होती है, इस बात को लेकर एक जो उम्रदराज लोग हैं उनके मन में एक संशय है, एक भय है। लेकिन फिर से मैं उसी बात पे आता हूँ जो हर तरह है, आपको इससे बचना है। इस बीमारी को लक्षण क्या है, गंभीर कैसे होता है, उस पर ध्यान नहीं देना है, इससे बचाव करना है। बचाव के लिए तो वही जो सारी चीजें वही हैं जो कही जाती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, हैंड जो है सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं। मास्क की चर्चा भी जो चल रही थी उसमें यह है कि मास्क में दो समस्याएं हैं, एक तो हॉस्पिटल के लोग जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल में आएंगे उनके लिए मास्क की जो जरूरत है अलग होती है, N95 है, ट्रिपल लेयर है, ऐसे जिनमें प्रोटेक्शन जो है 95% 90% इस तरह से होता है। लेकिन एक अगर हम जनमानस के लिए लें, एक आम पब्लिक के लिए जिसको बाहर निकलना है, तो जरूरी नहीं कि ये मेडिकल मास्क जो है उसको ही यूज किया जाए। लोग चाहें तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन के दौरान एक कपड़े का मास्क लगाया हुआ था, तो कपड़े का मास्क भी आपके लिए पर्याप्त है यदि आपको बाहर निकलना है। बस ये ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको जरूर पालन करें, वही सावधानियां जो दूसरों को करनी है वही सावधानियां इन दोनों को भी करनी है। डॉक्टर राजेश जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाहिद है, नोएडा से जुड़ गए। वाहिद जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज जानना था कि मेरे सोसाइटी में आज से 15 दिन पहले एक मदर और बेटी का को कोरोना हुआ था, क्योंकि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, और उसके बाद से अभी तक कोई कोरोना के केस नहीं मिले हैं, और मेरी सोसाइटी पूरी तरह सील्ड है इस वक्त। तो क्या कोई चांसेस है कि आगे आ सके, कोई केस निकल सके हमारी सोसाइटी से, कोई चांसेस है इसके? ठीक है, 50 दिन आपने कहा, एक्सक्यूज मी, आपने कहा कितने दिन पहले पॉजिटिव आए थे? 50 दिन पहले, 15 दिन पहले, बिफोर 15 डेज, सॉरी 15 दिन पहले डॉक्टर राजेश, 15 दिन पहले, जी जी। देखिए, अभी जो क्वारंटीन हम करते हैं, कहीं पे भी पेशेंट मिलते हैं उनके आसपास के लोगों का या उनके परिवार के लोगों का, या जो विदेश से आए हैं जिनको क्वारंटाइन किया जाता था, पहले गाइडलाइन 14 दिन की थी, लेकिन अब ये बढ़ा के 28 दिन की कर दी गई है, जो कि एक तरीके से अच्छा ही है। तो अगर अभी 15 दिन हुए हैं तो आपको अभी भी घर पे ही रहना है, पूरे प्रिकॉशन वैसे ही लेना है, और आपको 13-14 दिन क्वारंटाइन में रहना चाहिए, क्योंकि ये लिमिट अब 14 दिन से बढ़ा के 28 दिन कर दी गई है। ठीक है, तो वाहिद जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर राजेश, जो मास्क हम यूज कर रहे हैं उनको डिस्पोज कैसे करना है, उनको किस तरह से नष्ट करना है, क्योंकि अमूमन हम रास्तों में देखते हैं कि मास्क जो यूज कर लिए हैं वो कहीं भी पड़े रहते हैं, और इनको यूज करने का कितना ड्यूरेबिलिटी इनकी बताई जाती है एक मास्क को यूज करने की? देखिए, ये मास्क के प्रकार पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का मास्क आप यूज कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल स्टाफ यूज कर रहा है N95, उसमें को तो 8 से 10 घंटे तक यूज करके डिस्कार्ड करना है, और डिस्कार्ड भी जो है वो जो प्रॉपर बायो वेस्ट मैनेजमेंट जैसा होता है वैसे ही करना है, येलो कंटेनर में डाल के करना है। जो आम जनता अगर यूज कर रही है, कपड़े से बने हुए अगर यूज कर रही है, तो वो रीयूजेबल है, उसको डिटर्जेंट वाले पानी से धो के कम से कम 5 घंटा धूप में सुखा के आप फिर से यूज कर सकते हैं। बाकी जो मेडिकल मास्क है उसको सलाह नहीं दी जाती दोबारा यूज करने की, और उसका डिस्पोजल भी प्रॉपर होना चाहिए, जो येलो कंटेनर बायोवेस्ट के रहते हैं उसमें डाल के ही उसको डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर शैलेश, जिस तरह से हम कोविड को लेकर हम तमाम लोग एहतियात बरत रहे हैं, और कुछ भ्रांतियां भी फैली हुई हैं, और इसी कड़ी में मेरा सवाल ये है कि क्या एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज करना जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसको डेवलप करता है कोविड से लड़ने के लिए, वो क्या डेवलप होता है? बिल्कुल, देखिए, अब किसी भी बीमारी से बचने के लिए आपके शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम है, उस सिस्टम को बूस्टअप करना है, खासकर ऐसे समय में जब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो। तो नेचुरली बूस्टअप करने के लिए कुछ जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनमें से एक एक्सरसाइज भी है, एक अच्छी हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट भी है, स्ट्रेस का लेवल भी कम करके रखना चाहिए। अब स्ट्रेस किस तरह का है, उसको कैसे मैनेज करें, यह शायद हर व्यक्ति के ऊपर होगा, लेकिन इन जनरल यदि स्ट्रेस है तो
योगा मेडिटेशन जिस तरह से भी आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखें तो इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होती है। ठीक है डॉक्टर राजेश, क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है और सुनने में भी आ रहा है कि इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप जो नॉर्मली जो मेडिसिन है, विटामिन सी हो गया, फिर बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कुछ लोग खा भी रहे हैं, तो क्या इनको लेना चाहिए? ये वाकई में इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्टअप करती है कुछ हद तक? क्या ये रोकथाम करने में अगर हम कहें तो बेनिफिशियल है कि नहीं है? विटामिन सी का तो रोल है, लेकिन अगर हम अपने इंडियन डाइट को देखें या उस तरीके से देखें तो बहुत सारी चीजें तो हमको अपनी डाइट से ही मिल जाती है। जैसे आप ये इसको लेंगे, संतरा वगैरह लीजिए या नींबू का शरबत वगैरह लीजिए, तो उसमें पर्याप्त रूप में विटामिन सी रहता है। अगर हरी पत्तेदार सब्जियां रोज खाते हैं तो उसमें पर्याप्त रूप से विटामिन B12 वगैरह सभी रहता है। तो बजाय इसके कि दवाइयों पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो के अपने मन में एक फॉल्स सिक्योरिटी डेवलप करना कि अब मुझे नहीं होगा, वो ठीक नहीं है। नॉर्मल अच्छी डाइट लें, हेल्थी डाइट लें और रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे सर कह रहे हैं शर्मा सर, तो वो भी घर के अंदर जितनी हो सकती है वो करना चाहिए। जी डॉक्टर शर्मा, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में क्या कुछ मेडिकल इमरजेंसीज में क्या कुछ फैसिलिटीज जो पेशेंट्स पहुंच रहे हैं उनको दी जा रही हैं? जी देखिए, रामकृष्ण केयर जो है एक टर्शरी केयर सेंटर है, उसमें हर तरह जी तो उसमें हर तरह के मरीज आते हैं, और जिस तरह का पेशेंट आया है, जिस लेवल पे वो डिसीज है, क्या डिसीज है, उसके हिसाब से सारी चीजें जो है एज पर गाइडलाइन से करते हैं। अब ये संभावना भी है कि जो मरीज आया है हो सकता है हार्ट अटैक लेके आया है, लेकिन साथ में शायद उसको कोविड भी हो, तो इसमें कुछ उलझने रहती हैं, लेकिन हर चीज का एक SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशन और एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल्स, तो उसको फॉलो करके उन चीजों को तय किया जाता है। ER जो है, इमरजेंसी रूम जो है, वो हर तरह से गियर्ड अप है कोविड नॉन कोविड सारे मरीजों के लिए। ठीक डॉक्टर राजेश, क्या लोग अभी भी रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर से दूसरे मेडिकल प्रॉब्लम के लिए भी परामर्श ले सकते हैं? क्या ये फैसिलिटीज है अगर हम कोविड को इतर रख देते हैं तो? देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे हॉस्पिटल में जो है दो बिल्डिंग है, एक ओल्ड बिल्डिंग और एक न्यू बिल्डिंग, तो हमने इस तरीके से काम किया उसमें कि कोविड वाले मरीजों के संपर्क में दूसरे मरीज आए ही ना, तो इसलिए बाकी दूसरे बीमारी के मरीजों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल आराम से आके अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि उसका जो सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट है, हालांकि अभी भी एक भी पॉजिटिव हमारे यहाँ से नहीं आया कोई भी पेशेंट, जो भी सस्पेक्टेड है उनका एंट्री अलग है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन का अलग है, ER में उनके लिए दो बेड्स अलग से किए गए हैं, उनके लिए ICU अलग है, और ये बिल्कुल सब जो है एक बिल्डिंग में कर दिया गया है ताकि दूसरी बिल्डिंग से कोई संपर्क न रहे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आके आप इलाज करा सकते हैं। ठीक है, कॉलेज जुड़ गए, नोएडा से अजीज हैं। अजीज जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। जी 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 हेलो जी 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 आपकी आवाज आ रही है, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि आपकी आवाज हम तक साफ आए। अच्छा जी, हमें बीपी की प्रॉब्लम रहती है। जी तो हम 22 तारीख से मौसम कहीं इंटर नहीं है, तो हमें और क्या जान चाहिए? ठीक है, जान लेते हैं, हम डॉक्टर शैलेश से जान लेते हैं। डॉक्टर शैलेश, बीपी की प्रॉब्लम है, एज ज्यादा है और 22 तारीख के आसपास शायद इनका कुछ हिस्ट्री रही है बाहर की, कि इनका कुछ आना जाना रहा है, तो और क्या कुछ एहतियात इनको बरतना चाहिए? 22 तारीख को जी ओके अभी तो जैसे इवन गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं और डायरेक्टिव्स हैं कि बाहर से यदि आप आए हैं तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री डिक्लेयर करनी है, और यदि उसमें बनता है तो आपको क्वारंटीन में भी जाना है। सर्टेन एरियाज हैं जहाँ से
ट्रेवल हिस्ट्री होने से क्वारंटाइन में जाना ही होता है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी मदद इनको लेनी चाहिए अपने आसपास के जो अप्रोप्रिएट लोग हैं जो इस चीज़ में मदद कर सकते हैं। रही बात प्रिकॉशंस की, तो ये मान के चलें कि इनको क्वारंटाइन की ज़रूरत है तो एक होम क्वारंटाइन खुद कर सकते हैं, कुछ लक्षणों के लिए अपनी नज़र रखें। मुख्य रूप से कोरोना वायरस COVID-19 अगर होता है तो सर्दी खांसी बुखार और जो गंभीर रूप से होते हैं उनमें श्वास की भी तकलीफ आ सकती है। इन लक्षणों के लिए थोड़ा सा वॉच करें और यदि ये लक्षण नहीं आते हैं क्वारंटीन टाइम जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया पहले 14 दिन था और अभी तो 28 दिन कर दिए हैं, तो उतने दिनों तक इनको मेरी सलाह है कि यदि ये ऐसे एरियाज में रहे हैं जहाँ पे संभावनाएं हैं तो बिल्कुल होम क्वारंटीन में जाएं और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से भी बात करें। अच्छा डॉक्टर सालिफ, इन्होंने एक बात का भी जिक्र किया क्योंकि इनको बीपी का भी प्रॉब्लम रहता है, तो उस लिहाज से क्या एहतियात? ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को देखिए कोई अलग से एहतियात रखने की जरूरत नहीं है, वही चीजें हैं जो सामान्य रूप से दूसरों को करना है वही एहतियात इनको भी करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। एक दो दवाएं हैं ब्लड प्रेशर की जिनके बारे में कुछ क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं, जो हमारे हम कहते हैं ACEIARB, ये दो ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, लेकिन उसमें भी ये गाइडलाइन साफ कहती हैं कि आपको इन दवाओं को बंद नहीं करना है। तो जो भी आपकी बीपी की दवा चल रही है उसको बराबर मेंटेन करें, अपने बीपी को कंट्रोल रखें, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन या मन में ये डर रखने का कि मुझे बीपी है तो कोविड जो है मुझे सताएगा उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है डॉक्टर राजेश, जिस तरह से देखें कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है और कुछ उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर हमने कई केसेस में ऐसे देखा है कि उनको वो कोविड से भी इफेक्टेड पाए गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कोविड कितना हानिकारक हो जाता है? जिन लोगों को शुगर है उनको किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है? फिर देखिए डायबिटीज को हम लोग ये कोविड को अगर आप देखें तो इम्यूनिटी की जो पहले भी अपन बात कर रहे थे कि अच्छी इम्यूनिटी होनी चाहिए मरीज में जिनको कोविड होता है, तो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम मानते हैं कि मरीज का इम्यून सिस्टम या शरीर के प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी कम रहती है उनके कंपेरिजन में जिनको डायबिटीज नहीं है, तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल रहे और डायबिटीज से कंट्रोल के लिए जो भी दवाइयाँ उनकी पहले से चल रही हैं जिस डॉक्टर के संपर्क में हैं वो उनसे मिलते रहे अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, और डायबिटीज के लिए दवाइयों के अलावा जो एक्सरसाइज है वॉकिंग घर में लिमिटेड रह के जितना कर सके वो करना चाहिए, लेकिन शुगर का टेस्ट जो है ज्यादा फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए ऐसे मरीजों को ताकि ये एश्योर कर सके कि उनका शुगर नॉर्मल चल रहा है। ठीक है डॉक्टर सलेश, क्योंकि जाहिर सी बात है रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ये एक ट्रस्ट भी है, तो तमाम फैसिलिटीज आप लोग मरीजों को दे रहे हैं। जो लोग कोविड को लेके यहाँ पे पहुंच रहे हैं, जब आप लोग इनका टेस्ट करते हैं तो ये जो टेस्ट रिपोर्ट जो आती है वो कितने दिन में आती है और डायग्नोज होने में कितना वक्त लगता है? जी जी देखिए रामकृष्ण केयर जो है मैंने जैसे पहले भी कहा था एक टर्शरी सेंटर की तरह भी काम करते हैं हम लोग, तो बहुत सारे ऐसे मरीज आते हैं जिनमें हमें एक सस्पिशन रहता है, कंफर्म नहीं सस्पिशन कि ये COVID-19 इसको हो सकता है, तो ऐसे मरीजों का जो टेस्ट भेजा जाता है तो अभी जो टेस्ट अवेलेबल हैं हमारे पास उसमें PCR टेस्ट ही अवेलेबल है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग जॉब होता है, स्वाब लिया जाता है नोज थ्रोट दोनों से या फिर उसको आइसोलेट करते हैं फिर PCR टेस्ट किया जाता है, तो इसमें कम से कम जो रिपोर्ट है वो 1 से 1.5 कभी कभी 2 दिन के अंदर आती है, तो थोड़ा सा लैग तो है रिपोर्ट्स के आने में, लेकिन इस बीच में एक आइसोलेशन हम लोग मैनेज करते हैं कि ऐसा मरीज जिसमें हमको सस्पिशन है कि भाई इसमें कोविड हो सकता है तो उसको दूसरे मरीजों से मिक्सअप नहीं करते हैं, एक आइसोलेशन वार्ड अलग से मेंटेन करते हैं और उसमें उसको रखते हैं, यदि उसका नेगेटिव आ जाता है तो फिर वहां से हम उसको ट्रांसफर भी कर लेते हैं। ठीक
ठीक है डॉक्टर राजेश, ये जो कोविड के जो सैंपल लिए जाते हैं, अगर हम बात करें तो कितने ऐसे सैंपल लिए जाते हैं? क्योंकि कई केसेस में हमने देखा है कि पहली रिपोर्ट जो आती है वो नेगेटिव आती है, फिर उसके बाद दूसरी रिपोर्ट फिर पॉजिटिव आ जाती है, फिर तीसरी नेगेटिव, फिर चौथी पॉजिटिव आ जाती है, तो ऐसे कितने सैंपल लिए जाते हैं फिर? वैसे तो जनरली दो सैंपल लिए जाते हैं, एक गले से लिया जाता है और एक नाक के अंदरूनी हिस्से से लिया जाता है। गले का सैंपल लेना तो बड़ी आसान सी चीज़ है, लेकिन जो नाक के अंदर से लिया जाता है वो उसमें थोड़ा सा टेक्निकल एक्सपर्टाइज लगता है, क्योंकि नाक के अंदर तक जाके वहाँ से लेना चाहिए। अगर नाक के बाहर बाहर से ले लिया तो अगर वहाँ पे है भी वायरस तो वो आपकी रिपोर्ट निगेटिव आएगी। नेसोफेरिंक्स वो एरिया है जहाँ पे वायरस सबसे ज्यादा जमा होता है, अगर वही चीज को प्रॉपरली कलेक्ट नहीं किया स्वाब को तो वो निगेटिव आने की संभावना है। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है कि इसमें थोड़ा सा स्वाब कलेक्शन का जो टेक्निक है वो अच्छे से फॉलो होना चाहिए। जब ये सैंपल लिए जाते हैं तो किस तरह का एहतियात आप लोग बरतते हैं? देखिए, ये सैंपल लेने वाली टीम अलग होती है, वो पीपीई किट के साथ में आती है, उन लोग पूरा कवर्ड रहते हैं, उनके हेड गियर, उनके गॉगल्स, सब चीज लगे हुए रहते हैं और पूरी एहतियात के साथ ही सैंपलिंग ली जाती है। ठीक, कॉलर जुड़ गए हैं दमोह से, संजय तिवारी हैं। संजय साहब बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। हाँ नमस्ते, मैं कोरोना के संक्रमण का जो समय चल रहा है इसमें हरी सब्जियाँ खाना नुकसानदायक नहीं है? ठीक है डॉक्टर सालेश, यहाँ पे संजय जी ये जानना चाहते हैं कि क्योंकि जिस तरह से कोविड का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है, तो क्या इस बीच में हरी सब्जियां खाना हानिकारक तो रही है? ओके, हरी सब्जियां जी, मुझे लगता है हरी सब्जियां तो आपको फायदा करेंगे, नुकसान किस बात के? वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि क्या सावधानियां रखें हरी सब्जियों को खाने से पहले, तो उसका जवाब यही होगा कि उसको आपको जो फूड हाइजीन मेंटेन करना है। फूड हाइजीन मेंटेन करने का मतलब होता है कि यदि आप सब्जी या फल खरीद के ला रहे हैं तो उसको किस तरह से साफ करें। सबसे अच्छा तरीका होगा रनिंग वाटर, आपके किचन का नल खोल दीजिए, उसके नीचे स्क्रब करके सब्जियों को एक मिनट तक, सब्जी फल इनको साफ करिए, और सब्जी जो पका के आप खाएंगे उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, 70 डिग्री के बाद में कोरोना वायरस ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो आप कच्चा सलाद वगैरह खाना चाहते हैं उसमें भी अगर आपकी क्लीनिंग फूड हाइजीन मेंटेन्ड है, रनिंग वाटर में आपने उसको क्लीन किया है और उसके बाद आपने अपना हाथ धोया, उसके बाद आप उसको पकाते हैं या दूसरे काम करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, बल्कि हरी सब्जी तो आपको खाना चाहिए। संजय जी, जाहिर सी बात है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ राजन गांव से, विनोद जी बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए अपना। नमस्ते मैम। नमस्ते विनोद जी, सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरा कहना था कि हमारे की मिसेज की तबीयत खराब थी अभी, विनोद कौन से? डॉक्टर साहब से मेरे सवाल था कि मेरा की मिसेज की तबीयत बार बार बुखार आता है जी, बार बार बुखार आता है, तो मैं इसमें सीबीएसई कंप्लीट और वाइडल का और एमआरपी सब मैं टेस्ट कराया हूँ, इसमें पॉजिटिव नहीं निगेटिव है, उसके बाद अब इसका आप कौन सा ऐसा टेस्ट कराया जाए इसमें? ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं? ये आपने सारे टेस्ट करवाए सब नेगेटिव आए, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि क्या एहतियात बरतना है या क्या और टेस्ट करवाना चाहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? कितने दिन का बुखार है? नहीं है। ठीक है, ये टेस्ट कब करवाया था आपने? बुखार है इनको। और बुखार कब से है विनोद जी? सारे जो रिपोर्ट वो नेगेटिव आए हैं, बुखार शायद कुछ दिन से है डॉक्टर राजेश। देखिए, अगर ये जो नॉर्मल अपन रूटीन जो टेस्ट कराते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, पीलिया, अगर ये सब में कुछ नहीं निकलता है और बुखार थोड़ा लंबे समय तक चलता है, अगर ये कोविड के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको आगे कल्चर्स के टेस्ट कराने चाहिए, जो ब्लड कल्चर या यूरिन कल्चर होता है जिसमें बैक्टीरिया का पता लगता है। ठीक है,
बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत शुक्रिया शैलेश जी, आप लोग हमारे खास कार्यक्रम में आए, और हम चाहेंगे कि आप लोग कोरोना वॉरियर हैं तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, एहतियात बरतिए, क्योंकि आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो भारत में कोरोना वायरस